अभी तक टीएमसी ने सिर्फ मंत्री अखिल गिरी के बयान को गलत बताया है, लेकिन बीजेपी लगातार दबाव बना रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुरंत मंत्री को पद से बर्खास्त करें। अखिल गिरी के बयान के विरोध में बंगाल के साथ साथ असम, ओडिशा और दिल्ली में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्री पर एक्शन की मांग की। इधर दिल्ली में बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने आज नॉर्थ एवेन्यू थाने जाकर अखिल गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। मैम, यहाँ किस लिए यहाँ पर आई थी? हम लोग आई थी यहाँ पे, हम लोग जानते हैं कि 11 नवंबर जैसे तरीके से हमारे देश का सर्वोच्च लोकप्रिय लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे अपमान किया, एक आदिवासी महिला को अपमान किया टीएमसी मिनिस्टर ने, नेता ने, और ममता बनर्जी अभी तक कुछ भी नहीं बोला, उनका बर्खास्त भी अभी नहीं हुआ, इसलिए पूरा देश में कोने कोने में, बंगाल में तो बहुत सारा जगह में उनके ऊपर एफआईआर हुए है। हम लोग दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में भी इसका एफआईआर हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी आके सामने आके कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि वो भी महिला है और बंगाल में भी बहुत सारा आदिवासी समाज का लोग रहते हैं, और अखिल गिरी जो बोले हैं ये सिर्फ एक नहीं दो बार बोले हैं, इसको तुरंत बर्खास्त होना चाहिए और दिल्ली में आके राष्ट्रपति भवन के सामने आके उसको क्षमा मांगना चाहिए कि ये जो किया है वो देश के लिए बहुत इंसल्टिंग है। सिर्फ राष्ट्रपति जी नहीं, भारतीय संविधान के संविधान को उन्होंने अपमान किया है। भारतीय संविधान मतलब इंडियन का, भारतीयों का अस्तित्व के ऊपर उन्होंने अपमान किया है। मेरे सहयोगी ऋतिक मंडल का अब हम रुख करते हैं, ज्यादा जानकारी उनसे हम लेते हैं इस खबर पर। ऋतिक, अखिल गिरी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, राज्यपाल से भी शिकायत की गई है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, और अब इंतजार हो रहा है कि टीएमसी की तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सामने आकर कब इस बात पर खुलकर अपनी बात रखेंगी। देखिए, अखिल गिरी के इस विवादित बयान के खिलाफ, अखिल गिरी जो ममता कैबिनेट के मंत्री है, तो उनके इस विवादित बयान को के खिलाफ जैसे बीजेपी मोर्चा निकाले हुए है, और ना सिर्फ बंगाल में बल्कि बंगाल के बाहर कई सारे थानों में यहाँ पर जो है आरोप दर्ज कर दिए गए हैं। उसी कड़ी में नया नाम है रैरंगपुर का, जहाँ से महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आती है, जहाँ से वो विधायक रह चुकी है, वहां पर भी बाकायदा एक आरोप बंगाल के मिनिस्टर अखिल गिरी के खिलाफ दर्ज किया गया है। लेकिन इसमें सबसे अहम सवाल जो बात आप जिस बात की जिक्र आपने की कि क्या कोई ठोस कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस उनकी पार्टी उनके खिलाफ कर रही है, भले ही वो अखिल गिरी के इस बयान से को समर्थन नहीं करता, उन्हें ऑफिशियली उनकी तरफ से पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि वो कतई इस बात की इस तरीके के विवादित बयान को समर्थन नहीं करते। लेकिन जहां तक बात है तृणमूल कांग्रेस की, खासकर आज सुबह से जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी मोर्चा निकाले हुए है दिल्ली में, बंगाल में, यहां तक कि आदिवासी समाज की तरफ से बांकुरा में, बंगाल में वहां पर रास्ता जाम किया गया, तो इस विवादित बयान को लेकर तृणमूल का कहना है जब बीजेपी के नेता मंत्री ममता बनर्जी जो भी महिला मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इस बात में उन्होंने प्रधानमंत्री की भी नाम ली, शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी कहा, तब क्या कुछ बीजेपी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उठाते, इस तरीके की सवाल तृणमूल की तरफ से उठाई जा रही है, ये स्पष्ट इशारा कर रहा है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर राजनीति तेज होती जा रही है और किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।